प्रोड्यूसर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि प्रोड्यूसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर एंड मेकिंग देम मोर कन्वीनियंट. ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर्पज, एक पर्पज इस चैप्टर को पढ़ने का ये है कि हम प्रोड्यूसर की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें. और जो मेन इसकी थीम है इस चैप्टर की वो ये है कि ऑब्वियसली अगर कोई बिजनेस कंडक्ट करता है, या आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बिजनेस कंडक्ट करते हैं, तो वो कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक डिलीवर कर सकते हैं. द मेन पर्पस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस एंड व्हिच आर यूज्ड टू डिलीवर ट्रांसपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन. जहाँ पे प्रोडक्ट बन रही है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, वेयर हाउस, फैक्ट्री, आउटलेट, और जहाँ पे प्रोडक्ट को यूज किया जा रहा है, कंजप्शन, जो कि आप कंज्यूमर कह सकते. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक, द मार्केटिंग मिक्स. सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो प्लेस की जो सीक्वेंस है वो क्या है. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है. आफ्टर डिसाइडिंग द बेस्ट प्रोडक्ट मींस द फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप एस्टेब्लिश अ प्रोडक्ट. देन द सेकंड स्टेप इज टू डिसाइड द प्राइसिंग, और उसके बाद फिर उसको प्रमोट करने का जो थर्ड स्टेप है मार्केटिंग मिक्स का, जो थर्ड एलिमेंट है. एंड द लास्ट एलिमेंट, द बिजनेस हैज टू गेट, द बिजनेस हैज टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स. अब ये लास्ट स्टेप में आज चैप्टर नंबर 15, यानी जो चैप्टर नंबर 13 था वो प्रोडक्ट का था, चैप्टर नंबर 14 आपने प्राइस का कंसिडर किया, चैप्टर नंबर जो 12 था प्रोडक्ट का था, 13 प्राइस का, 14 प्रमोशन का, और चैप्टर नंबर 15 जो आज स्टार्ट हुआ, ये लास्ट मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है. इसके बाद आपकी मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे. और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, द मेजर रोल ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज टू वर्क ओवर द मार्केटिंग मिक्स सिक्वेंशली. सिक्वेंशली लाजमी मैंने बताया, क्योंकि इस पे पहले इसको सिक्वेंशली आपने काम करना, पहले आपने प्रोडक्ट पे, फिर प्राइस पे, फिर प्रमोशन पे. और जैसे कि इस चैप्टर के सीक्वेंस में आज हम प्लेस पे काम करने लगे हैं और इस पे बात करने लगे हैं. सो इट इज द प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट प्रोडक्ट, टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर. द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैज टू बी मेड अवेलेबल वेयर एंड व्हेन कस्टमर्स वांट टू बाय. वेयर कंज्यूमर्स कैन बाय द प्रोडक्ट विल अफेक्ट हाउ वेल इट विल सेल. ऑब्वियसली the selling, the marketing of a particular product or a service is particularly depend on the location, is particularly depend on the type of distribution, is the type of channel of distribution, is the method that is more convenient for a consumer. देखें कि इसमें मेन थीम ये है कि आज हमने इस चैप्टर को इस तरीके से डिजाइन किया है, डिसाइड किया है, समझा है कि आज के चैप्टर का को पढ़ने का मकसद ये है कि कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को आसान से आसान बनाया जाए. और यही आज के चैप्टर की मेन थीम है, और इसी को आपने समझना है. यही चीज़ आपके लिए फ्यूचर में जो है वो बेनिफिशियल नज़र आएगी. दैट इज मोस्ट मोर कन्वीनियंट फॉर द कंज्यूमर, प्रोवाइड ईज, प्रोवाइड कन्वीनियंस. तो ये इसका मेन थीम आप बता सकते हैं. अगर अगर ऐसा है कि पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और द व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस, देन द मेन रोल और द मेन पर्पस इज टू द मेन पर्पस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द कस्टमर. कस्टमर के लिए आपने इसको इजी बनाना. सो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने ये क्लियरली देखा है कि सीक्वेंशली प्रोडक्ट के बाद, प्राइस के बाद, प्रमोशन के बाद, जो लास्ट स्टेप है प्राइस प्लेस को डिसाइड करना, ये बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी प्लेस यानी आपकी कन्वीनियंस या आपकी ईज कंज्यूमर के लिए नहीं है, तो ये कंज्यूमर के लिए डिफिकल्ट है कि उस प्रोडक्ट को एक्सेस करे, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे.
और रेदर इसके कि अगर आपने प्लेस पे वर्कआउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे वर्कआउट नहीं किया देन माइट बी आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपका कस्टमर आपके कंपेटिटर्स को प्रेफर करे जो कन्वीनियंट प्रोवाइड करते हैं। अगर कोक कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा और पेप्सी कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं करेगा तो लोग जो हैं वो उस ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जो कि कन्वीनियंस प्रोवाइड। सो द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इजी, द वे टू डिलीवर द प्रोडक्ट, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द मेथड्स, आर द वेज, आर द एक्चुअली कॉन्सेप्ट व्हिच इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स to deliver the goods and services to the consumer. Channel, इसकी बहुत आसान सी एग्जाम्पल आपके सामने रखी जा सकती है कि जैसे अगर आपने कार्टून्स देखने तो कार्टून्स का चैनल आप देखेंगे, चैनल रास्ता। अगर आपने कोई न्यूज़ सुननी है और डिप्रेशन का शिकार होना तो ऑब्वियसली आप न्यूज़ को, न्यूज़ चैनल्स को ट्यून करेंगे। तो प्रोड्यूसर जो है वो चैनल को ट्यून करेगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आज का हमारा जो है वो टॉपिक होगा, और फिर एट द एंड ये नेक्स्ट लेक्चर में एक कंक्लूजन डिसाइड की जाएगी कि क्या कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट है, पर्टिकुलरली ज़्यादा यूजफुल है, या ये इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, या ये आप अपनी फर्म में हिमसेल्फ और हरसेल्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए कौन सा सूटेबल है। सो आसान सी डेफिनेशन आपके सामने रखी गई है, the way used by the producers to deliver the product to the consumer. Simplistic definition. Idhar jo likhi hui hai is the means by which a product is passed from the place of production to the place of consumption. Retailer, shopkeeper or consumer, final consumer. Main aapko ek thoda sa consumer ka aur customer ka difference bhi bata diya jata hai yahan pe. Normally, aam taur pe in dono cheezon mein differentiation nahi ki jati. लेकिन अगर बिजनेस में इस इन दोनों टर्म्स को लिया जाए तो इनमें काफ़ी डिफरेंशिएशन मानी जाती है। जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को बाय करता है लेकिन कंपलसरी नहीं है कि वो उसको खुद यूज़ करे। जैसे शॉपकीपर प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को बाय करता है लेकिन क्या वो खुद उसको, क्या वो कभी खुद आइसक्रीम खाता नज़र आया? वो आइसक्रीम को उस इंसान को सेल करता है जो कि उसको कंजप्ट करता है। तो ये जो कंज्यूमर का वर्ड आपके सामने कंजम्पशन से ही आया है, जो कि कंज्यूम करेगा। तो इसको इसलिए अगर आप और इजी इसको समझना चाहते हैं तो फाइनल कस्टमर जो होता है वो आपका कंज्यूमर होता है। रिटेलर जो है वो मीडियोकर मिडल कस्टमर है, मिडल मैन है, तो वो खुद कंजप्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए ये टर्म मैंने आपको बता दिया ताकि जो बच्चे हैं वो इस चीज को समझें और याद रखें कि कस्टमर्स क्या हैं और कंज्यूमर्स क्या हैं। ये एक बात आसान है कि एग्जाम में अगर आप कोई भी वर्ड यूज कर लेते हैं तो वो एज अ फाइनल कस्टमर कंसिडर होता है, और ये बात आसानी क्रिएट करती है, इजीनेस क्रिएट करती है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को आज आपने समझा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो रास्ते हैं जिनके थ्रू प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जो है वो डिलीवर करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मेन पर्पस बताया गया, जो कि मैंने आज के लेक्चर के शुरू में आपको थोड़ा सा गाइड किया। डिलीवरिंग द राइट प्रोडक्ट, ये एक अलग डेफिनेशन है। अब राइट प्रोडक्ट की अगर आप बात करें कि राइट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, राइट कंज्यूमर्स, राइट टाइम, ये तो हर वर्ड इट्स सेल्फ एक डेफिनेशन को होल्ड की है। सो द राइट प्रोडक्ट्स आर दोज विच आर डिमांडेड बाय द मार्केट, विच आर अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, करंट टेस्ट एंड फैशन ट्रेंड ऑफ द कंज्यूमर्स। वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर मांगता है और मार्केट उसकी डिमांड करती है, दैट इज द राइट प्रोडक्ट। अगर आप बात करेंगे टेक्नोलॉजी की तो आप देखेंगे कि वो फोन्स जिनमें कैमरा है वो मार्केट की डिमांड है। अगर आप कोई ऐसा फोन बना रहे हैं जिसमें कैमरा नहीं है, ऑल्दो कि वो उसका कोई नेसेसरी फीचर थोड़ा, लेकिन फिर भी आपको उस फीचर को साथ अटैच करना है। सो द राइट प्रोडक्ट इज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। राइट कंज्यूमर मतलब, राइट कंज्यूमर मतलब वो कंज्यूमर जिनके लिए उस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया। राइट कंज्यूमर्स वो जिन वो कंज्यूमर्स जिनके लिए प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। राइट टाइम, टाइम
बिलोंग्स टू द सीजन, विंटर और समर, कौन सा सीजन है ये अभी? उस अकॉर्डिंग टू द सीजन, जो गर्मियों के कपड़े हैं वो गर्मियों में ही सेल आउट होंगे, और जो विंटर्स की जो क्लोथिंग है ऑब्वियसली वो उसको सेपरेट किया जाता है। इसी तरह आप देखते हैं कि हीटर्स कब सेल होते हैं और एसी या पंखे जो हैं, फैंस कब सेल होते हैं। राइट टाइम का मतलब आपको समझ आ गया होगा। सो दोबारा से इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। हम डेफिनेशन बेसिकली पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, गेटिंग द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम, दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द कंज्यूमर, इज अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। द मेन पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नेसेसरी टू अचीव द लो कॉस्ट ऑपरेशन बाय द मार्केटिंग, बट इट इज एक्चुअली द मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड द कन्वीनियंस टू द कस्टमर। कितना एक ईजी बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने इसलिए डिसाइड नहीं किया कि आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए डिसाइड किया गया कि आप अपनी प्रोडक्ट की इफेक्टिव मार्केटिंग करना चाहते हैं थ्रू प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस टू द कस्टमर। कस्टमर के लिए उस प्रोडक्ट को गेट करना आसान बनाना, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है। इसको लिखा जाता है जब एक न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो मार्केटिंग प्लान को डिजाइन किया जाता है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस में डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि इस साल हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचाएंगे, इस साल हम अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के लिए कैसे कन्वीनियंस जो है उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का जो डॉक्यूमेंट है, होपफुली आपको समझ आ गया कि ये कब लिखा जाता है और इसका मकसद क्या है, और इसको मेनली कौन डिजाइन करता है। मार्केटिंग इसको डिजाइन करता है, साल के शुरू में इसको लिखा जाता है, और मेन पर्पस है कि कंज्यूमर के लिए इसकी एक्सेस को आसान बनाया जाए। ऑल्दो कि अगर ये एक्सेस आसान होगी तो इसका बेनिफिट भी तो बिजनेस को मिलेगा, वो सेल्स की फॉर्म में, प्रमोशंस की फॉर्म में, प्रॉफिटेबिलिटी की फॉर्म में। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हर कारोबार का, हर बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी है, हमेशा से ये याद रखा जाता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एंटरप्राइज, देन एवरी बिजनेस हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। तो जो कन्वीनियंस अगर हम दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा वो जो मेन टारगेट है प्रॉफिटेबिलिटी का, सेल्स के इंक्रीज का, वो अचीव होगा। सो बिजनेसेस हैव टू डिसाइड वेयर टू सेल। वेयर का मतलब है, अब वक्त आ गया कि अब हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ें। तीन चीजों को आज हम, तीन वर्ड्स को आज हम सीखें। डायरेक्ट सेलिंग है, रिटेलर्स के थ्रू सेलिंग है, और होलसेलर्स के। वेयर टू सेल, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, आज के लेक्चर का मकसद यही होगा। दे ऑल्सो हैव टू डिसाइड हाउ टू गेट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, विच द पर्पज ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आज हम पढ़ रहे हैं। आज आपके पास फोर टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन, इसको चैनल वन बोला जाता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि इसके दूसरे नाम भी हैं, लेकिन एग्जाम में और आपके सिलेबस ने जो वर्ड यूज किया है वो चैनल वन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्या इसका ये बहुत सिंपल सा नाम है, कोई इसका और नाम भी है? तो इसके और नाम भी है, पर्सनल सेलिंग भी इसको कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी इसको कहते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन के नाम से। लेकिन आपने इसको याद रखना है, एग्जाम आपसे ये डिमांड करता है कि ये नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए, और इसका मकसद और इसकी डायग्राम आपको आनी चाहिए। इन्वॉल्व्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन इज वेयर द प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स एंड देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ इंटरमीडियरीज। दरमियान में कोई नहीं होगा, प्रोड्यूसर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजप्शन। अब इसकी बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स यानी एप्लीकेशन की तरफ। क्या मार्केट में आपको इसकी रियल एप्लीकेशन नजर आएगी? क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल दी जा सकती है जिसमें प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल करता नजर आए डायरेक्टली? यस, वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। ऑल्दो कि ये सबसे मुश्किल है इसको अरेंज करना,
और ये कम यूज होने वाला है, लेकिन इसकी रियल एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं। व्हेन एवर द कस्टमर बॉट द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी आउटलेट, आज आपको ये सीखना पड़ेगा कि रिटेल आउटलेट, दुकानदार और कंपनी आउटलेट, वो दुकान जो कंपनी की पर्सनल है, जाती है, इसमें बहुत फर्क है। कंपनी आउटलेट में सिर्फ उस कंपनी की प्रोडक्ट मिलेंगी। अगर आप सोनी की बात करते हैं तो सोनी की जो कंपनी आउटलेट है उसमें आपको सिर्फ सोनी की प्रोडक्ट मिलेंगी। वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन होगा। जब आप किसी रिटेल शॉप से जिसने मल्टीपल ब्रांड्स को रखा हुआ है और उसने लिखा हुआ है हाउस ऑफ ब्रांड्स, तो उसके पास सोनी भी, पैनासोनिक भी है, ओरिएंट भी है, उसके पास डॉलेंस भी है, कैनवर्ट भी है, तो वो तो मल्टीपल ब्रांड्स में बैठा है, वो रिटेलर है, वो एक कंपनी को डील नहीं कर रहा। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपनी आउटलेट। आपको समझ आया कि कंपनी आउटलेट कंपनी का डायरेक्ट आउटलेट है। अगर आप यहाँ से बाय करेंगे तो एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, जब बेनिफिट की तरफ आएंगे, कंपनी से बाय करना ज्यादा बेहतर होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है और जो आफ्टर सेल सर्विस का जो फीचर है वो आपको अच्छा मिल सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो आपको कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है, वो रिटेलर का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कभी भी नहीं दे सकता। इसकी मैं आपको वजह भी बता सकता हूँ, क्योंकि जो कंपनी आउटलेट में जो कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज ट्रेंड बाय द कंपनी, जो कि रिटेलर का जो है वो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है मेरी नजर में। वो बिल्कुल एक, वो आपको ये बताएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकती है, ये महंगी है तो ये अच्छी है, ये कोई रीजन नहीं है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन कि मैं अब आपके सामने जितनी भी एग्जांपल्स हैं सबको लिस्टेड करता हूँ। सबसे पहले कंपनी आउटलेट, उसके बाद होम डिलीवरी, आप मैकडोनल्ड कॉल करें, डायरेक्टली आपके घर वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन, आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया ऑनलाइन शॉपिंग, वर्चुअल शॉप्स। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, जैसे कि अगर आप बॉडी शॉप की वेबसाइट पर जाएं और कॉस्मेटिक्स को ऑनलाइन ऑर्डर करें, डायरेक्ट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए। दराज की आज हम बात नहीं करेंगे चैनल वन में, क्योंकि उसको हमें कहीं और पढ़ना है। आज हम बात करेंगे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप आइडिया गुल अहमद की वेबसाइट पे जाएं और डायरेक्टली बाय करें। आप कैम्ब्रिज से शर्ट बाय करें, ऑनलाइन बाय करें, तो ये चैनल वन में आपके पास आएगा। इसके अलावा डोर टू डोर सेलिंग, कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर आते हैं, फहद मुस्तफा आता है, वो नॉक करता है, बेल बजाता है और बोलता है कि एरियल ले लें यार हमसे, तो ये भी अगर वो डायरेक्टली सेल करते हैं कुछ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे अगर आपके घर आते हैं, बेल बजाते हैं और आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये मैंने आपको 4 से 5 फॉर्म बताई हैं, कंपनी आउटलेट, होम डिलीवरी यानी टेक अवे या होम डिलीवरी, ये चैनल वन है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय किया जाता है, डोर टू डोर सेलिंग में बाय किया जाता है, ई कॉमर्स के थ्रू बाय किया जाता है, तो ये सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन में। इस स्ट्रेटेजी की जो कॉस्ट है, आज हम चैनल वन पढ़ रहे हैं, तो याद रखें कि इस स्ट्रेटेजी की जो कॉस्ट है वो बिजनेस पे करेगा। ओके जी, इसकी आप डायग्राम देखिए, आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है और दरमियान में कोई नजर नहीं आ रहा। ये कितनी सिंपलिस्टिक सी आपके सामने एक डायग्राम आपको नजर आ रही है। ऑब्वियसली इसमें तो मिडल मैन नहीं है, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जब आप रिटेलर के थ्रू बाय करते हैं तो कुछ प्रॉफिट रिटेलर की पॉकेट में चला जाता है, और अगर आप कंपनी आउटलेट से बाय करते हैं तो वो प्रॉफिट, इसके दो बेनिफिट हैं अगर आप देखें तो। अगर अगर स्टूडेंट्स जो हैं, अगर इस बात पे थोड़ा एम्फसाइज करें तो देखें कि ये बेनिफिट कंपनी की पॉकेट में भी जा सकता है और कंपनी अगर चाहे तो सस्ता भी बेच सकती है, क्योंकि रिटेलर के प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। ये कंज्यूमर की पॉकेट में चला जाए, कंपनी की पॉकेट में चला जाए, ये दोनों में से एक को बेनिफिट लाजमी मिलेगा। कट आउट द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अ मिडल मैन, द प्रोड्यूसर हैज फुल कंट्रोल ओवर प्राइसिंग। ये पर्टिकुलरली ये है कि जब आप रिटेलर के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वो टैगिंग करता है, वो टैग आपका उतारता है और नया टैग लगा लेता है, प्राइसिंग को चेंज कर सकता है। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 1000 शॉपकीपर है? आप उनको सुपरवाइज कर सकते हैं? आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं? नो। तो प्राइसिंग का कंट्रोल सिर्फ चैनल वन में आपको मिलेगा, प्रमोशन का कंट्रोल सिर्फ चैनल वन में आपको मिलेगा। डायरेक्ट मार्केटिंग, देखिए मैंने स्टार्ट पे आपको बताया था कि इसके कुछ और नाम भी हैं, पर्सनली सेल करना, पर्सनल सेलिंग भी मैंने इसको कहा, मैंने इसको डोर टू डोर सेलिंग भी कहा, मैंने इसको ऑनलाइन
सेलिंग भी बोला और डायरेक्ट मार्केटिंग का वर्ड भी यूज किया गया, कैन बी सिलेक्टिव. कह रहे कि ये छोटे जियोग्राफिकल एरिया पे आपका जो सिलेबस है ये ई कॉमर्स के हवाले से थोड़ा वीक है, इसलिए इसने ये पॉइंट बताया कि ये सिलेक्टिव और थोड़े टारगेट ऑडियंस को फोकस करता है. अदरवाइज अगर इसको आज की लैंग्वेज में आईटी और कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वेबसाइट की लैंग्वेज में, सोशल मीडिया की लैंग्वेज में इसको अगर इस पॉइंट को पढ़ा जाए तो ये तो पॉजिटिवली बिहेव करेगा और बहुत लार्जर मार्केट को आप एक्सेस कर सकते हैं. मैं तो कई ऐसे लोग हैं जो कराची से चीज़ें मंगवाते हैं और शर्ट्स मंगवाते हैं और अपने शहर की शॉप पे जाना पसंद नहीं करते और अगले दिन या दो या तीन दिन के बाद वो प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं. डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो सिलेक्टिव है, टारगेटेड है और पर्टिकुलरली एक खास टारगेट ऑडियंस को फोकस करती है. इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं. डिसएडवांटेजेस: प्रोड्यूसर्स इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी. याद रखें, जब आप इसको खुद मैनेज करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी भी आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग स्टॉक्स, इन टर्म्स ऑफ पेइंग द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग थ्रू ट्रक्स, थ्रू कंपनी व्हीकल्स, थ्रू रेलवे सिस्टम्स और एयरप्लेन्स. ये आपको सारी की सारी कॉस्ट जो है वो खुद मैनेज करना होगी. ऑनलाइन में एक दो तरीके चलते हैं. समटाइम डिलीवरी चार्जेस आप पे कर देते हैं और समटाइम डिलीवरी चार्जेस जो है उसमें लिखा होता है फ्री शिपिंग, तो कंपनी आपको ये फैसिलिटेट करती है कि वो आपसे कोई चार्ज नहीं करे. जो सबसे बड़ा ऑनलाइन का ड्रॉबैक जो कभी भी कवर नहीं हो सकता क्योंकि उसका कोई सलूशन नहीं है, कि जब आप एक ऑनलाइन शर्ट बाय करते हैं, आप रिटेल से बाय करते हैं अपने शहर से, तो वो जाके आप उसकी ट्रायल में, ट्रायल रूम आजकल है, आप ट्रायल रूम में ट्राई कर लें जूता शूज, जब तक आप उसको पहन के चल के ना देख लें तब तक आप उसको बाय नहीं करते. स्पेशली लेडीज जो हैं, तो जब तक शूज को अच्छा खासा पहन के चेक ना कर लें तो वो उसको बाय नहीं करती, और ये बहुत अच्छी बात है. हाउ यू चेक दैट प्रोडक्ट ऑनलाइन, ये ड्रॉबैक कभी भी कवर नहीं होगा. ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंज्यूमर टू have trial, to test the product, to check. वो आप खा नहीं सकते, आप उसको पहन नहीं सकते, आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते. जब वो प्रोडक्ट आएगी तब आप उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट कैसी है. और ये ड्रॉबैक फिर क्या होता है कि जब वो शर्ट आती है तो उसके साइजिंग में आपको इशू आता है, वो शूज या तो आपको बड़ा है या फिर आपको छोटा है, और फिर लंबी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है. रिप्लेसमेंट, आप दोबारा से रिकॉल करते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, व्हाटएवर. ये प्रॉब्लम आपको रिटेलर आउटलेट में, दुकानदारी में आपको ये प्रॉब्लम कम फेस करना पड़ेगा. सो दिस इज अबाउट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन को आज हमने स्टडी किया. उम्मीद है कि ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा. कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आज समझाया गया, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ वन आज डिस्कस किया गया, और नेक्स्ट लेक्चर में 2, 3 और 4 जो है वो डिस्कस कर लिया जाएगा. इस तरह 2 लेक्चर्स में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है या इंशाल्लाह आप लोगों का कवर हो जाएगा. यू पीपल कैन आस्क द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन. अल्लाह हाफिज़.